ये बात है एक दो दिन पहले की, जब मैं आशिकों की आशिक ब्रॉक को हराने की स्ट्रैटेजी बना रहा था। मगर मैंने बहुत सारे पोकेमॉन ट्राई किए, इतने ज़्यादा पोकेमॉन मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में पकड़े भी नहीं थे, उतने पोकेमॉन मैंने ट्राई कर लिए, मगर मैं ब्रॉक को फिर भी नहीं हरा पाया, क्योंकि उसी दिन ब्रॉक को नर्स जॉय ने सामने से आके प्रपोज कर दिया था। एंड जो ब्रॉक का जोश लेवल है वो 100 पार कर चुका था, और इसीलिए मैं ब्रॉक को नहीं हरा पा रहा था। इसीलिए मैं गया था आरसीएस के पास, आरसीएस पोकेमॉन का गॉड है, एंड गॉड के पास मैं गया था उससे कुछ मांगने। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मुझे ऐसी शक्ति दे दो जिससे मैं ब्रॉक को हरा पाऊँ। मगर आरसीएस ने मेरे को साफ मना कर दिया। उसने मेरे को बोल दिया, अगर ब्रॉक को लड़की मिल गई तो ब्रॉक को तुम क्या, तुम्हारे पप्पा और मेरे पप्पा भी नहीं हरा सकते। मैंने आरसीएस को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। मैं शांति से वहाँ से आ रहा था तो रास्ते में मेरे को एक पोकेमॉन दिखा, एक नया गॉड, सबसे खतरनाक गॉड, जो कि आरसीएस को भी एक ही अटैक में हरा सकता है। एंड उस गॉड का नाम है वाह बफेट। आप लोग देख सकते हो मेरी टीम में, सिर्फ और सिर्फ वाह बफेट है। वाह बफेट एक इतना खतरनाक पोकेमॉन है जो एक अटैक में सभी के सभी पोकेमॉन को हरा सकते हैं। आरसीएस गॉड तो सिर्फ नाम का गॉड है, असली गॉड तो वाह बफेट है। मेरे ख्याल से तुम लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि ब्रॉक को हराने के लिए हमें सिर्फ वाह बफेट चाहिए और कोई पोकेमॉन की ज़रूरत ही नहीं है। आरसीएस भी उसके सामने कुछ नहीं है। सो गाइस, अभी देखो मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, एंड आई होप सो कि आपको भाई मेरी अभी मैंने जो स्टार्टिंग में मतलब अलग टाइप का आज कुछ करने का ट्राई किया। एंड भाई वो देखो मैं ना ब्रॉक को हराने की भाई काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। ब्रॉक के लिए भाई मैंने काफ़ी सारे पोकेमॉन ट्राई किए भाई, आप लोग देख सकते हो भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ रेडिकल लेट की वीडियोस बनाने में। एंड भाई उसके लिए भाई मैंने बहुत सारे पोकेमॉन ट्राई किए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पीसी भी दिखा देता हूँ। अरे भैया ओपन हो जा, अरे यहाँ पे देख लो भाई, मैंने भाई उसको हराने के लिए बहुत सारे पोकेमॉन भाई ट्राई किए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, एक तो मैंने देखो ट्राई किया लैंटन, मेरी टीम में था लैंटन, एंड वो कहाँ बाकी सब इधर होंगे भाई, लैंटन था मेरी टीम में, एंड ये सेप्टल भाई इसको मैंने मेगा इवॉल्व करके भी देखा था, उसको भी ट्राई किया। साथ ही साथ इन्फरनेप ये भी कुछ कर नहीं पाया, इसको भी ट्राई किया एक्सेलरेल, एंड कहाँ गया भाई ये देखो, इसको भी मैंने लगाया था भाई टीम में, बट ये भी कुछ भाई बिगाड़ नहीं पाया। बाकी सब भाई यहाँ पे ये देखो गैराडोस भी है भाई, गैराडोस को भी मैंने यूज़ किया था, कुछ नहीं बिगाड़ पाया भाई। ये तो एक ही अटैक में चल बसे भाई, सब लोग एक ही अटैक में जा रहे थे, ये एक दो अटैक सह पाया था, बट ये भाई हरा नहीं पा रहा था सामने वाली टीम को, मतलब उसके पोकेमॉन को हरा नहीं पा रहा था भाई अपना ग्लाइस्कोर, इसके लिए भाई वो बना नहीं अपनी टीम में बैठा नहीं। एंड बाकी सब भाई मैंने ट्राई किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमॉन मैंने ट्राई किया, बट एक पॉइंट पे मेरी स्ट्रैटेजी पूरी अच्छे से बन गई थी, बट सीन ऐसा हो रहा था भाई कि बैटल के दौरान कुछ अलग अगर होता था तो मेरी पूरी टीम बर्बाद हो जाती थी, एंड वो लोग एक ही अटैक में फेंट हो जाती थी। तो भाई फिर बाद में मैंने भाई थोड़ा सर्चिंग किया, एंड पिछले एपिसोड में भाई मेरे को वाह बफेट मिला था सफारी जोन के अंदर, आप लोग को पता ही होगा। सो भाई मैंने उसको मतलब उसका मैंने फटाफट लेवल अप किया, एंड लेवल अप करने के बाद भाई मैं उसको लेके गया ब्रॉक से पंगा लेने, एंड भाई आप लोग मानोगे नहीं बट अकेले उसने अकेले भाई बिना कोई अटैक किए, सिर्फ और सिर्फ काउंटर करके भाई, काउंटर अटैक करके उसने ब्रॉक के दो पोकेमॉन को हरा दिया। फिर तो भाई मतलब मैं एकदम शॉक, टोटली शॉक भाई, तगड़ी पोकेमॉन पकड़ के क्या ही उखाड़ ले रहा हूँ भाई, कुछ नहीं उखाड़ पाया मैं। और वह बफेट भाई अकेला बंदा भाई उसके दो पोकेमॉन को सुलटा रहा भी काउंटर अटैक करके, बताओ भाई। फिर उसी टाइम पे भाई मेरा दिमाग घूम गया, एंड मैंने बोला भाई आज की वीडियो में कुछ नया करेंगे, आज की वीडियो में भाई कुछ नया होना चाहिए भाई, इतना ज़्यादा झेलने के बाद अगर नहीं हरा पा रहे भाई आराम से हरा रहे हो तो फिर तो कुछ नया बनता है। सो इसीलिए भाई आज मैंने सोचा कि आज हम लोग सिर्फ वाह बफेट चैलेंज करेंगे, ओनली वाह बफेट चैलेंज, द गॉड वाह बफेट आज हमारे साथ है भाई, और एक नहीं छः वाह बफेट है मेरी टीम में, आप लोग देख ही सकते हो भाई। एंड ये गारंटी मैं देता हूँ गेम के अंदर भाई वाह बफेट एक अटैक में आरसीएस को भी धो देगा, बस आरसीएस को पहले अटैक करने दो बस, और कोई नहीं, एंड ऐसा अटैक करने दो जिससे वाह बफेट 180 के हो कम से कम ना हो, उसके बाद तो धो डालेगा भाई, इसकी गारंटी मैं देता हूँ तुमको, मैं लिख के देता हूँ, साइन नहीं करूँगा वरना साइन पे फिर और कुछ गलती हो जाती है यार, मैं लिख के दे सकता हूँ बस। एंड गाइस आज के वीडियो भाई वाह बफेट चैलेंज होने वाला है, सो आई होप सो कि भाई आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड स्टार्टिंग में जो मैंने स्टोरी बताई ना भाई वो मतलब मेरे से रिलेट कर दिया भाई, एक दो दिन पहले से मतलब जब मैंने पिछला एपिसोड डाला था उसी दिन से भाई मैंने स्ट्रैटेजी बनाना तैयार कर मतलब मैं स्ट्रैटेजी बना रहा था बट ब्रॉक के अगेंस्ट भाई ऐसा मेरे को मतलब
एक पॉइंट पे जाके मेरी स्ट्रैटेजी बन जाती है, बट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको चेक करना पड़ता है। चेकिंग के टाइम क्या होता है पता है, अगर सामने वाला टीम, आप लोग को भाई वीडियो के दौरान भी काफ़ी सारे देखने को मिले होंगे कि मैं स्ट्रैटेजी बना के तो लाता हूँ, बट वीडियो के अंदर भाई वो लोग ना मतलब कुछ अलग अटैक कर देते या फिर मेरा अटैक मिस हो जाता है, तो परफेक्टली मैं उनको हरा नहीं पाता, ये सीन हो रहा था। इसके लिए भाई मैंने सोचा अभी तो वाबा फेट होगा, एंड मैं गाइस गया सफारी जोन में, ढूंढा 6 वाबा फेट मैंने पकड़ लिए, एंड फिर बाद में भाई वाबा फेट तो गया हराने, तो वाबा फेट ने भाई पूरी की पूरी ब्रॉक की टीम को धो दिया भाई, पूरी की पूरी, और खुद बच भी गए। ये देख के भाई मैं शौक, तो मैंने बोला कुछ नया हो जाए और आज की वीडियो में नया होगा, चलो चलते भाई ब्रॉक के पास एंड उससे बैटल करते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है भाई। एपिसोड को आज सभी लोग लाइक कर देना भाई, आज हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ नया ट्राई किया है, अब देखना ये कि आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं, एंड होप सो कि आप सभी लोगों को भाई बढ़िया लगा होगा भाई। मैंने छोटी सी थोड़ा सा कॉमेडी टाइप करने की कोशिश की है, अब भाई पता नहीं क्या होगा, बट आप लोग भाई अपना जो कमेंट करके मेरे को सब कुछ अपना ओपिनियन बता देना, एंड देखता हूँ भाई कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोग का। एंड यहाँ पे भाई फटाफट इससे बैटल करते, चल भैया अत्ता माजी सटकली बेड़ू आज अपने पास है तो गॉड वेट। भाई मैंने आरसीस वाला जो बोला था ना स्टार्टिंग में, भाई आरसीस कुछ नहीं है भाई गेम के अंदर, आरसीस नथिंग गाइस, नथिंग। एनिमी के अंदर जो होगा वो होगा, बट हमको गेम से मतलब, हम लोग गेम खेलते, गेम के अंदर रियल गोड तो वाबा फेट है भाई, अभी आपको देखने को मिलेगा, टेंशन नॉट। टेरा क्यों नहीं, एक लेजेंडरी है ना? नहीं, वो लेजेंडरी है, अपने पास गॉड है, वी हैव द गॉड, द ब्लू गॉड, इसका नाम ब्लू गॉड रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, दिखने में पूरा ब्लू। ओके, पहला अटैक भाई फेल हुआ है, फेल, मिस भी नहीं हुआ, फेल हुआ है, एंड अटैक लगने के बाद देखना ना भाई, अभी देखना इसको क्या ही स्वाद आएगा भाई। एक सीजर ठोक रहा है, ठोक ले, अभी दिखा दो तेरे को क्या ही स्वाद मिलेगा तेरे को। और एक गॉड अपना थोड़ा हीलिंग कर रहे, एंड गॉड सिर्फ एक अटैक मारते, बाकी सब तो भाई फर्क ही नहीं पड़ता गॉड को। अब देखो गॉड ने अपना पहला अटैक किया, एंड द गॉड वॉब फिट का पहला अटैक लग चुका है, लगने के बाद ये देखो लेजेंडरी गया तेल लगाने गया भाई वॉब फिट की पाँव में, अब पाँव में तेल लगा के मालिश करेगा भाई, इसको बोलते गॉड की पावर। वॉब फिट इज द रियल गॉड फॉर मी, आप लोग के लिए क्या है मेरे को पता नहीं, बट वॉब फिट भाई गॉड है, रियल वाला गॉड तो वॉब फिट है। अब ये देखो लैंड रस, ये भी एक लेजेंडरी पोक है, आप लोग को पता ही होगा, अभी क्या ही बिगाड़ लेगा भाई, गॉड इसके सामने है, गॉड के सामने लेजेंडरी कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, एकदम बेकार भंगार। हाँ हालांकि इसने फेंट कर लिया, बट फेंट किया कैसे, एक अटैक मार के यार, अगर मेरा वाबा फेट एक HP में भी बच जाता ना, तो इसके लैंडर्स की चड्डी पैंट जो भी मिलता ना सब फाड़ डालता, सीधा बात बता रहा हूँ मैं आपको, देख लो यहाँ पे एकदम बढ़िया से देख लो, अब की बार अगर ये अटैक मारता है अर्थक्वेक, और अगर वाबा फेट बच जाता है वो तो बचेगा ही भाई, देख लेना गॉड है गॉड, वो उसका तो भाई पिछली बार तो HP कम 10 के लिए फेंट हो गया था, अब की बार बच जाएगा, एंड बच गया, एंड अब देखना क्या ही स्वाद देगा भाई, क्या ही स्वाद मिलने वाले लैंडर्स को, देख लो एकदम मीठा वाला स्वाद मिलेगा, एकदम मीठा वाला भाई, एकदम मतलब दिल खुश हो जाएगा भाई स्वाद लेके, एकदम मीठा वाला स्वाद, ये देख लो, इसको बोलते भाई गॉड की पावर। अगर गॉड बच गया फिर तो भाई मतलब समझ जाओ एक अटैक काफ़ी है तुम्हारे लिए, 1 hit किए हो बस एक अटैक सह लेना चाहिए, बस यही दिक्कत है कि अगर ये ऐसा गॉड है भाई, अगर एक अटैक इसने सह लिया ना तो फिर तो तुमको पलट के इतना खतरनाक वाला शॉट मारेगा कि तुम भूल ही जाओ तुम्हारे साथ क्या होगा भाई। काउंटर पे ओके, ये थोड़ा खतरनाक पोकेमोन है जायगार्ड खतरनाक नहीं है भाई, वाबा फेट खतरनाक है, मैं वाबा फेट की तारीफ कर रहा हूँ, जायगार्ड तो एकदम कुछ नहीं है, अभी वो अपना डिफेंस वफेंस बढ़ा रहा है, इसके लिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, टेंशन नॉट, वी हैव द गॉड, देवताओं की देवताएँ वाबा फेट देवता हमारे पास है आज। RCS कुछ नहीं है भाई इसके सामने, मैं लिख के देता हूँ तुमको, RCS इज नथिंग अगेंस्ट वाबा फेट, वाबा फेट भाई लेजेंडरी चाहे भेजेंडरी जो भी हो भाई, चाहे कुछ भी हो, एक अटैक बस सह लें एंड उसके बाद देखो उनका कमाल। अभी मेरे पास 4 गॉड और बचे हैं भाई, 4 गॉड में से अभी देख लो क्या ही सीन करते भाई, आज सबको स्वाद मिलेगा, बारी बारी सबको स्वाद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एंड ब्रॉक की पोकेमोन को पहले स्वाद मिलेगा, ब्रॉक को तो भाई एकदम तगड़ा वाला स्वाद मिलने वाला भाई, इतना खतरनाक स्वाद मिलेगा ना कि हमारे नाम से ही पता लगा लेगा भाई कि गॉड्स आ रहे हैं। अब देखो भाई जायगार्ड को भी स्वाद मिलने वाला है। ओके माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, ये देख लो भाई, स्वाद की शुरुआत हो गई और ये स्वाद ख़त्म हो रहा है, ओ भाई क्या ही स्वाद मिला है भाई, क्या ही स्वाद, ये सीन देखने के लिए मैं भाई बहुत दिनों से बेताब था,
मतलब इतना ट्राई करने के बाद भाई तगड़े से तगड़े पोकेमोन पकड़ने के बाद भी उनको ट्रेनिंग दो फिर आके बैटल करो। नहीं 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 हमको हारना ही नहीं है, हम सिर्फ गॉड से हारेंगे। तो हारो तो गॉड से ही हारो ना यार, मेरे को क्या है उन शैतानों से जो तुम हारते नहीं हो, तो अब गॉड से हारो भाई। इतने खतरनाक खतरनाक पोकेमोन मैंने पकड़ के भाई ट्राई किया इतना झेलने के बाद, बट ये ब्रॉक भाई अलग ही लेवल के स्वाग में रहता है। अब आप देख लो भाई, वी हैव द गॉड। अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ भाई, भगवान है अपने पास, और अपने पास भगवान है तो फिर बोलो भाई जय भगवान और आराम करो, बस कोई दिक्कत नहीं, भगवान जी सब अच्छा करते हैं। एंड यहाँ पे अपना अपने जो भगवान जी हैं वो हैं अपने वाबफेट जी। अब तुम थोड़े फेंट भी हो जाओ यार, उन फिर तो सामने वाले लोग बुरा मान जाएंगे, क्या ही कर सकते, थोड़ा फेंट होना पड़ता है यार। मतलब भाई भगवान सबको खुश करेंगे ना, अकेला थोड़ी ना हमको खुश करेंगे। तभी देखो एरोडॉक्टिल भाई फेंट कर देगा हमारे गॉड को, तो थोड़ा खुश हो लेगा ना। एंड उसके बाद भाई फिर अपनी बारी भी आएगी यार, अपनी बारी तो आ ही रही है ना, फिर से अपनी बारी आएगी भाई। मतलब भगवान चाहते कि सब इक्वली थोड़े थोड़े खुश हो, ऐसा नहीं कि पूरी खुशी एक ही बंदे को दे देंगे, फिर तो भाई सामने वाला नाराज़ हो जाएगा ना। इसके लिए यहाँ पे एरोडॉक्टिल एक बार खुश हो गया है। एंड भाई बार बार भाई भगवान किसी को कुछ नहीं देते, एक बार देते मौके पर चौका मारोगे तो अच्छा, नहीं तो फिर भूल जाओ तुम। और वो मौका भाई एरोडॉक्टिल ने गवा दिया, अब अभी तक गवाया नहीं है उसने, बट अभी गवाएगा। और वो चौका मार भी नहीं सकता भाई, उसको हम ऐसी बॉल डालेंगे नहीं कि चौका मारे। गॉड भाई एक बार अच्छा हलवा बॉल दे देते और सेकेंड टाइम में भाई ताकत और बॉल देते। अब ये ड्रैगन डांस कर रहा है ना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होने वाला, मैंने कुछ गलत ही अटैक कर दिया भाई। इसके लिए ना मेरे को एक दूसरा अटैक करना चाहिए था, बट अभी तक कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ड्यूअल विंग भी इसने कर दिया, जिसका इंतजार था वो इंतजार मिल गया। अब मेरे को लगता है कि चलो भाई अभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। मैं भूल गया था कि गॉड के पास बेरी भी है भाई, ये बात मैं भूल गया था, इसके लिए थोड़ा मैं टेंशन में आ गया था, बट नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखना भैया आ गया स्वाद। ओ भाई किधर 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 जा रहे लो भाई इतने स्पीड में, ओ खत्म। ये देख लो भाई, इसको बोलते हैं ना द पावर ऑफ गॉड, वाह वफेट, क्या बात है भाई। भाई जो काम बड़े बड़े पोकेमोन नहीं कर पाए, मेगा विनसॉर मेगा सेप्टाइल, क्या ही है भाई, क्या ही, कुछ ही नहीं है भाई, कुछ ही नहीं। ये देखो भाई ये है ना भाई एकदम गजब गजब लेवल की गॉड। भाई जो काम बड़े बड़े पोकेमोन से मैं सोचा था कि वो लोग कर लेंगे, चपड़गंजू लोग भाई नाक कटवा देते मेरी, वो भाई ये गॉड पोकेमोन वाबफेट भाई एक झटके में, भाई एक झटके में सबको उल्टा रहे भाई सबको। देखो चार गए दो बचे और सामने वाले की पाँच गए, और अभी ये भी जाएगा, टेंशन नॉट। बस इसके टाइम पे भाई काउंटर मत करियो, काउंटर नहीं इसके टाइम पे मिरर कोट करना, क्योंकि ये वाटर टाइप अटैक करता है जो कि काउंटर से काउंटर नहीं होते, मैंने ट्राई किया था ऑफलाइन में, मिरर कोट करना पड़ता है उनके लिए। तो इसके टाइम पे मिरर कोट करना, क्योंकि ये ना थोड़ा ये कुत्ते की मौत मारेगा भाई। सब मतलब आ रहे थे भाई भगवान के पाँव वाव पड़ रहे थे और चले जा रहे थे, मगर इसके अंदर खुजली है, और खुजली मिटाने के लिए कुछ नया ट्राई करना पड़ता है, खुजली पाउडर डालना पड़ता है, और वो खुजली पाउडर भाई मिरर कोट है, तो मिरर कोट करना सब लोग। एंड अगर आप लोग भी वाबफेट लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, टेक वाबफेट, वाबफेट इज द न्यू गॉड ऑफ वो पोकेमोन रेडिकल रेड। बाकी गेम का मेरे को नहीं पता, बट इस गेम का तो भाई रेडिकल रेड का गॉड तो सिर्फ वाबफेट है और कोई नहीं। ए देख लो भाई, ए एपिक ख़त्म भाई, इसके अंदर बहुत खुजली हो रही थी ना भाई, ये तो पहले ही ख़त्म है। अब ये देखो भाई नस जॉय ने इसको सामने से प्रपोज किया, बट नर्स जॉय को अब मैं भगा के लेके जाऊंगा भाई, अब इसको मैंने धो डाला भाई। नर्स जॉय ने इसको प्रपोज किया, इसकी तो भाई जो कीड़े हैं ना भाई अलग ही लेवल के स्टॉप पे हो गए। एंड अभी यहाँ पे देखो भाई एरोडैक्टिलाइट, भाई एरोडैक्टिल भी दे देना साथ में, 71 स्टोनेज भी दिया बहुत बढ़िया। नर्स जॉय भी दे अभी मेरे को पता नहीं, नर्स जॉय को मैं लेके जाऊँगा। चलो नर्स जॉय चलते हैं पोकेमोन सेंटर, चल भैया बहुत हो गया पका के भी। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई हम लोग ने ब्रॉक को बड़े ही फनी में हरा दिया, मतलब मजाक में बहुत बड़ा काम हम लोग ने कर दिया। बट हमारी गॉड की हालत देख लो भाई, जो काम बड़े बड़े खतरनाक पोकेमोन नहीं कर पाए वो भाई द गॉड वाबफेट ने कर दिया भाई। आई एम सो प्राउड ऑफ माई गॉड पोकेमोन वाबफेट। वाबफेट भाई अगर मैं चाहूँ तो मिस्टी को भी अभी के भी हरा सकता हूँ, बट आई एम थिंकिंग कि उसके लिए भाई कुछ नए पोकेमोन पकड़ लेंगे यार। मतलब थोड़ा अभी देखता हूँ आप लोग का रिस्पांस कैसा आता है, और आप लोग कमेंट करके बताओ मिस्टी को भी हम लोग वाबफेट से हराए या फिर उसके लिए अलग 6 पोकेमोन की टीम बनाए जैसा कि हम लोग पहले करते थे। ओके एंड यहाँ पे मैं कुछ आपको लोकेशंस बता देता हूँ भाई, कुछ नए पोकेमोन जो मैंने पकड़े। देखो अगर आप लोग को टर्टोनेटर चाहिए तो भाई ये मैंने भाई
पहले से सोलन सिटी में पकड़ा था, बट अभी इसका मेरे को परमानेंट अच्छा वाला लोकेशन मिल गया जो कि है साइकिलिंग रोड। साइकिलिंग रोड आप लोगों को पता होगा भाई, सेलेडॉन सिटी के लेफ्ट में जो है ना, जहाँ पे स्नोलैक्स सोया रहता है, वहाँ पे साइकिलिंग रोड पे भाई नीचे ही आपको एक ग्रासेस मिल जाएगा, ग्रासेस में आपको ये मिल जाएगा। एंड उसी ग्रासेस में भाई आपको और भी पोकेंस मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपको वो भी मिल जाएगा भाई, वो क्या नाम है भाई, टॉरकोल। हाँ, टॉरकोल भी उसके अंदर मिल जाएगा, और जेब स्ट्राइका भी आपको उसके अंदर मिलेगा जो कि मैंने पकड़ा है। एंड काफ़ी सारे लोग भाई मेरे को ब्रॉक को हराने के लिए जेब स्ट्राइका को यूज़ करने को बोल रहे थे, मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था तो आप लोग दे रहे थे भाई मेरे को, तो टाइम से लॉट। एंड इस कार्मरी वगैरह सब कुछ भाई, मैंने सफारी जोन के अंदर भी बहुत पोकेंस पकड़े थे। एंड यहाँ पे आप लोग देख लो भाई, ये देखो टॉरकोल भाई मेरे को इधर ही मिला था साइकिलिंग रोड की उसमें। एंड जेब स्ट्राइका भी मेरे को मिला था भाई उधर ही, भाई अभी दिख रहा नहीं है किधर है भाई, बहुत सारे पोकेंस मेरे पास, इसके लिए थोड़ा ढूंढने में दिक्कत होगा। एंड भाई सफारी जोन भी भाई मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया, बहुत सारे पोकेंस मैंने सफारी जोन के अंदर पकड़े भाई। मैं वहाँ पे वर्ब फिर ढूंढने गया था, बट मेरे को बहुत सारी तरह तरह के पोकेंस मिल गए, सो मैंने भाई सबको पकड़ लिया, क्योंकि भाई सफारी जोन में भाई 30 बॉल्स मिलते, और ये सीड्रा वगैरह जो है ना भाई, सब कुछ आपको सफारी जोन में मिलेगा। फिशिंग भी कर लेना थोड़ा सा, एकदम तगड़े तगड़े पोकेंस मिल रहे भाई सफारी जोन में, जाके चेकआउट जरूर से करना, ठीक है। सो गाइस, आज का ये लेजेंडरी एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मेरे को जरूर बताना। द गॉड वॉब फिट के लिए भाई इस एपिसोड को लाइक कर देना, एंड स्टार्टिंग में जो मैंने नया ट्राई किया था, आई होप सो कि आप सभी लोग को भाई पसंद आया होगा, सो प्लीज़ सभी लोग लाइक ठोक देना। आज के लिए बस इतना ही गाइस, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि मिस्ट्री के लिए क्या करना है, वॉब फिट से हराए कि टीम बनाए भाई उसके लिए, कमेंट करके बता देना। एंड बस गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।